आधार कार्ड के अंदर दोस्तों अगर एड्रेस चेंज करना हो तो बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है कि आपको कहीं कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है, फिर कहीं आपको ब्रांच में संपर्क करना पड़ता है, फिर से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। लेकिन फाइनली दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है या फिर से आपने विलेज पंचायत के अगर मुखिया से अगर आप लेटर पैड लिखवा लेते हो और आसानी के साथ आप ऑनलाइन घर बैठे आधार कार्ड का एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे अपडेट करना है और साथ में दोस्तों कैसे पेमेंट करना है। लेकिन अगर मार्केट से अपडेट करवाते हो तो 100 रुपीज से एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आप ऑनलाइन आसानी के साथ 50 रुपए खर्च करके और अपने आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का होम पेज बन के आएगा, साथ में नीचे में आएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड आधार, पीवीसी कार्ड, उसके बाद से स्टेटस चेक है। पहले दोस्तों होता क्या था कि अगर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज को अप्लाई करना हो तो बार बार आपको ओटीपी का झंझट पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप यहां से एक बार लॉगिन कर लेते हो तो आप एक बार लॉगिन करने के बाद आपको बार बार ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप उसी से सब कुछ कर सकते हो। सिंपली यहां पे आने के बाद अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेंड ओटीपी के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर, जो कि आपको यहां पे डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद सिंपली लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पोर्टल के अंदर, माई आधार पोर्टल के अंदर आप लॉगिन हो जाओगे, जो कि कुछ इस तरीके से आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आधार को डाउनलोड कर सकते हो, पीवीसी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो, अपडेट आधार ऑनलाइन, जो कि आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, नेम, हर एक चीज को यहां से अपडेट कर सकते हो। साथ में दोस्तों पेमेंट आपने पहले किया है तो सारा चीज यहां पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों हमको आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करना है तो सिंपली क्या करना है, अपडेट आधार के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। साथ में आपका ऊपर में यहां पे साइड में प्रोफाइल दिखाना स्टार्ट कर देगा, कुछ इस तरीके से क्लिक करोगे तो, फ्लिप पे क्लिक करोगे तो आपका बैक का आधार कार्ड का फोटो दिखाना स्टार्ट कर देगा। साथ में प्रोसीड टू आधार जो दिया है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का ऑप्शन बन के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको अपडेट कर सकते हो, जैसे नेम जो है दो बार आप अपडेट कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ एक बार, जेंडर जो है दोस्तों एक बार अपडेट कर सकते हो। आधार की बात करूँ तो हर कोई हर जगह पे जाके आप काम कर सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगा है। सपोज कोई मुझे यहाँ पे एड्रेस को अपडेट करना है तो एड्रेस पे क्लिक करेंगे, सिंपली प्रोसीड टू अपडेट आधार के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से करेंट एड्रेस जो है वर्तमान पता जो आपको दिखाना है स्टार्ट कर देगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे केयर ऑफ में अपने फादर का नाम डालना है, साथ में या फिर से अपने आईडी पे किसी भी दूसरे आईडी पे पति का नाम होगा हस्बैंड का तो हस्बैंड का नाम डाल देंगे, जो कि ऑटोमेटिक जो होगा दोस्तों यहाँ पे हिंदी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे अपना इंग्लिश में नाम डालेंगे, अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, और उसके बाद से ऑटोमेटिक यहाँ पे जो होगा उसका हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको फिलअप कर लेना है और फिलअप करने के बाद लैंडमार्क नियर बाय डाल सकते हो या फिर से छोड़ सकते हो अगर आपके डॉक्यूमेंट में है तो। उसके बाद से पिन कोड डालेंगे, विलेज डालेंगे, गांव, पोस्ट ऑफिस और डाक बंगला, डिस्ट्रिक्ट, जिला है और स्टेट जो राज्य है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैनुअली डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हो या फिर से डिजी लॉकर के माध्यम से, अगर डिजी लॉकर पे अपने अकाउंट पहले से बना रखा है और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करके रखे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं बनवा रखा है तो आपको मैनुअली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे सिलेक्टेड वैलिड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आधार कार्ड लेटर है, उसके बाद आर्मी लाइसेंस है, बैंक का स्टेटमेंट जो पासबुक होता है उस पर भी आपका आधार एड्रेस होता है। जैसे सपोज करो आप बिहार में हो, दिल्ली में कहीं पर भी जाकर आप रह रहे हो, वहाँ पे अपना किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया है, जाहिर सी बात है वहाँ के आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ा होगा तो पासबुक पे जो प्रिंट हुआ होगा वो आपका रेंट एग्रीमेंट पे जो एड्रेस होगा वही हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हो कि एड्रेस को चेंज करने के लिए आपका एड्रेस बिहार का है तो उस पासबुक को आप लगा के आसानी के साथ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं बिजली बिल लूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो वाटर बिल है और इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम आ देते हैं। मैं अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और साथ में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है और अपना डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों यहाँ से अपलोड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है यहाँ पे 100% अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों करना क्या है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही आपका जो भी डिटेल्स होगा दोस्तों कुछ इस तरीके का आपके सामने बन के आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो भी डिटेल्स होगा दोस्तों यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका डिटेल्स पूरा दिखाना स्टार्ट कर देगा, जो कि कुछ इस तरीके से, अगर आप एडिट करना चाहते हो इसमें कुछ गलती है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली नीचे में आना है और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर लेना है और सिंपली उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यू विल बी चार्ज 50 रुपीज प्रोसेसिंग फी यहाँ पे लगेगा, तो सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो बीच में कि अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप इस चीज को कैंसिल भी कर सकते हो। अब फ्रेंड आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कार्ड डिटेल्स है, वॉलेट है, उसके पास है नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, पेटीएम के माध्यम से करना चाहते हो तो पेटीएम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि अपने पेटीएम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है क्लिक टू
स्कैन का जो ऑप्शन दिया है इसको स्कैन करेंगे, जैसे मैं यहां से कर लेता हूं। स्कैन करके दोस्तों पेमेंट कंप्लीट करते हैं, कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन गया है, देख सकते हो कि PUBG यहां पे आपका पेमेंट का कंफर्मेशन होगा और आपके अकाउंट से भी पेमेंट कट जाएगा, जैसे यहां पे देख सकते हो। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो एस्टिमेटेड टाइम जो है 11 सेकंड 10 सेकंड, यहाँ पे आपके जो स्लिप होगा दोस्तों यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टेक्निकल इरर की वजह से यहाँ पे फेल हो गया है, लेकिन पेमेंट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिंपली गो टू डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, सिंपली नीचे में आएंगे आपको स्लाइड करके रिक्वेस्टेड जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपको वेट करना है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और पेमेंट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है टेक्निकल इशू, लेकिन घबराना नहीं है, आपका एक वीक के अंदर अंदर आपका जो यहाँ पे कंफर्मेशन होगा यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में आप कुछ समय के बाद यहाँ पे स्लिप जो होता है इसका डाउनलोड भी कर सकते हो, एक हफ्ते के बाद आपके नंबर पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। साथ में ही आप यहीं से लॉगिन करके और अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अपना PVC कार्ड को ऑर्डर करने के लिए, तो सिंपली यहाँ पे ऑर्डर PVC कार्ड के ऊपर क्लिक करके अपने PVC कार्ड को ऑर्डर भी कर सकते हो, जो कि आपको 50 रुपये यहाँ पे चार्ज इसका लगने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आसानी के साथ आप घर बैठे अपने आधार कार्ड एड्रेस को चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया है चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।